मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का करौली का दौरा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करौली पहुंच गए हैं। सिद्धार्थ सिटी हेलीपैड पर पीजी कॉलेज में मुख्यमंत्री की जनसभा की तस्वीरें आपके सामने है। ईआरसीपी पर धन्यवाद आभार सभा है ये। कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, डीग एसपी राजेश कुमार मीणा, करौली विधायक दर्शन सिंह, सपोटरा विधायक हंसराज, जिला अध्यक्ष ब्रिजलाल डिकोलिया सहित अन्य ने स्वागत मुख्यमंत्री का किया है। मंत्री जवाहर सिंह मेढम, सपोटरा विधायक हंसराज बालोती मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीच, पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव भी मौजूद हैं। गदा भेंट किया गया है मुख्यमंत्री को। धन्यवाद और आभार सभाएं की जा रही है पूर्वी राजस्थान के जिलों में। ईआरसीपी की सौगात के साथ ही साथ अब आभार और साथ ही साथ धन्यवाद यात्रा निकाली जा रही है। कन्हैयालाल चौधरी को आप देख रहे हैं साथ में, स्वागत अभिनंदन, जनता आभार जता रही है, धन्यवाद दे रही है और सरकार भी, मुख्यमंत्री भी जनता का आभार जता रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि जनता ने उनको चुना है और जनता ने जब चुना तो फिर जनता की परेशानियों को उन्होंने दूर किया, इसलिए जनता भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रही है। माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार से श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत, इससे पहले आपने देखा था बाड़ी में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया था, पूर्ववर्ती सरकार पर हमला भी बोला और साथ ही साथ अपनी सरकार का विजन भी जनता के सामने रखा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संबोधित करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा अपने उद्बोधन के लिए सम्माननीय श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। बोलो राज राजेश्वरी कैला मैया की, भारत माता की। आप लोग कितने बजे आए थे सही से बताओ? 9 बजे के। नाश्ता करके आए थे? भूख लगी मुझे, लग गया पता। 11 बजे। लेकिन करौली में जब आदमी भूखा होता है तो और ज्यादा जोर से बोलता है, मुझे ये पता है। तो अपने दोनों हाथ ऊपर करो, कैला मैया को साक्षी मानते हुए मुट्ठी बंद करो और अब पूरी ताकत से बोलो भारत माता की, भारत माता की। मेरे मारवाड़ में किसी आदमी को भोजन कराना हो तो बहुत सारी मनुहार करनी पड़ती है। मुझे लगता है करौली में भारत माता की जय बुलवाने के लिए भी मनुहार करनी पड़ती है। करौली की पवित्र धरती पर आयोजित आज इस महनीय सभा में मंच पर उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी परिवार के प्रदेश के मुखिया सम्मान्य प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है, ऐसे आदरणीय श्री सीपी जोशी साहब, मंच पर उपस्थित आदरणीय सभी विधायक बंधु, पूर्व विधायक आदरणीय महारानी साहिबा, भारतीय जनता पार्टी के सभी यशस्वी कार्यकर्ता, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल जी, आदरणीय जवाहर सिंह बेडम जी, इस सभा में बहुत देर से बैठे हुए करौली के मेरे सभी पितातुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति युवा साथियों, कार्यक्रम में बहुत विलंब हुआ लेकिन विलंब का कारण जो है वो आप लोगों का स्नेह है। ये जो 2 घंटे विलंब से माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग यहां पहुंच पाए उसका कारण इस बहुप्रतीक्षित ईआरसीपी के लागू करने की घोषणा के बाद में जिस तरह का जोश और जुनून इस पूरे पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों में है, ये जो उत्साह स्वागत करने का, धन्यवाद करने का जो इस क्षेत्र के लोगों में है,
उसके चलते हुए ये देरी हुई और आगे और भी देरी होने वाली है। मैं इस स्वागत के लिए, इस अभिनंदन के लिए हृदय पूर्वक आपका आभार ज्ञापित करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने पानी की महत्ता को समझते हुए आने वाले समय में देश एक विकसित देश बनेगा और विकसित होने के मार्ग में पानी की उपलब्धता चुनौती न बने, इस लक्ष्य को लेकर के 2019 में जब विकसित भारत की आधारशिला नए सरकार बनने के साथ माननीय मोदी जी रख रहे थे, तभी उन्होंने जल के विषय को जो विभिन्न विभागों में मंत्रालयों में निर्णित होता था, उन पर विचार होता था, नीतियां बनती थी, काम होता था, ऐसे 10-12 विभागों और मंत्रालयों को एकत्रित करके एक जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण किया था। आप सबके आशीर्वाद से, महाराज राजेश्वरी की कृपा से मुझे सौभाग्यपूर्ण अवसर इस मंत्रालय में काम करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। लक्ष्य था कि देश में पानी की आपूर्ति को हम किस तरह से सुनिश्चित करें, किसान के खेत तक पानी किस तरह से पहुंचे, हर घर तक पानी की का पानी किस तरह से पहुंचे, हमारे जल के स्रोत किस तरह से निरंतर निर्बाध सेवा देते रहे, भूमि का जल जो हमारा निरंतर सिमटता सिकुड़ता जा रहा है उसको हम वापस कैसे पुनर्स्थापित करें, पुनर्भरण किस तरह से करें, इन सब लक्ष्यों पर एक साथ काम करने की कल्पना के साथ में इस मंत्रालय का गठन किया था। मित्रों, पिछले 5 साल में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पेयजल के लिए काम हुआ हम सब ने देखा। 2014 से 19 तक प्रधानमंत्री जी गरीब को घर दे रहे थे, बिजली दे रहे थे, घर में एक शौचालय बनवा रहे थे, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा रहे थे, हर व्यक्ति तक बैंक का खाता पहुंचा रहे थे, गांव तक इंटरनेट पहुंचा रहे थे, गांव-गांव तक सड़क पहुंचा रहे थे, चिकित्सा की सुविधा के लिए आयुष्मान के कार्ड देश भर में वितरित करके दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज स्कीम चला रहे थे। गरीब के मन में एक विश्वास जागृत हुआ था कि मेरे जीवन में भी परिवर्तन करने वाली कोई सरकार काम कर रही है। और उसके बाद अब 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद जल शक्ति मंत्रालय का गठन और उसके माध्यम से यह संकल्प लाल किले के प्राचीर से कि हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे, आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि जो यात्रा हमने 16% से शुरू की थी, देश के ग्रामीण क्षेत्र में केवल 16% घरों तक पानी पहुंचता था, आज 11 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन देकर के आज देश के 75% घरों तक पानी पहुंचाने में हमने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कामयाबी प्राप्त की। देश के 10 प्रांत, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, ऐसे 10 प्रांत, आज उन गांव प्रांतों में किसी भी मां को, किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को पानी लेने के लिए, घर की आवश्यकता के लिए घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, अब पानी उसके घर में नल के माध्यम से आता है। यह प्रधानमंत्री जी का संकल्प था। लगभग 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं स्वीकृत की गई, राज्यों को सहयोग किया गया उनके साथ खड़े रहकर। आप विश्वास करेंगे कि 5,000 किलोमीटर तक पाइप बर्फ के खोद करके ले जाया गया, कई हजार किलोमीटर पाइप हाथियों पर ढोकर के अरुणाचल प्रदेश में ले जाना पड़ा, कई हजार किलोमीटर का पाइप कंधे पर उठा करके ले जाना पड़ा, तब जाकर के आज देश में 11 करोड़ माताओं बहनों को यह सुविधा मिल पाई। दुर्भाग्य से राजस्थान में जिस तरह की सरकार 5 साल तक थी, उसने इस योजना को एक दुधारू गाय की तरह लिया था। जो 27,000 करोड़ रुपया राजस्थान को सर्वाधिक बजटरी एलोकेशन के रूप में मैंने दिया था, उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने की कोशिश की, मात्र 6,000 करोड़ रुपए खर्च कराए और उसमें खर्च कर पाए, और उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला करने का पाप उन्होंने किया। लेकिन मैं आज आपको जिम्मेदारी से एक बात इस करौली की धरती पर कह के जा रहा हूं, आदरणीय कन्हैया लाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी यहां दोनों बैठे, इन दोनों की उपस्थिति में कह करके जा रहा हूं कि आने वाले 1 साल में हम राजस्थान को अन्य प्रांतों के बराबर ला करके खड़ा कर देंगे, राजस्थान में भी पीने का पानी जो है वो संकट नहीं रहे। और आज मैं ये इसलिए कह सकता हूं कि विशेष रूप से इन
अब 21 जिले हो चुके हैं। और जो शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना, इन चार में जिलों का हमारा प्रदेश, उसके आधे जिले और इन आधे जिलों में जो राजस्थान की 65% आबादी रहती है, उस आबादी को मैं ये गारंटी दे नहीं सकता था क्योंकि पानी की उपलब्धता नहीं थी। और इसके लिए पिछले वर्षों से इंतजार चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। हमने इस संघर्ष में मार्ग निकालने का प्रयास किया। पहले अटल जी के समय में जो पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना की कल्पना की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से उस पर काम आगे नहीं बढ़ पाया था। दोनों राज्यों की स्वीकृति नहीं थी, दोनों राज्यों को संतुष्टि नहीं थी।